अगर यहाँ पे इसकी पावर 3 करेंगे तो ये पावर 3 करते ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। तो हो क्या गया, 3 टाइम्स i टू द पावर 33, और ये √3 i/2। टू इधर रखते तो ये कितना हो जाएगा, बाय द वे दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको, i टू पावर 33, मतलब i हो जाएगा, i टू पावर 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब i के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, i² इज -1, -1 + √3 i, -1 + √3 i इसके इक्वल हो गया। ये सिचुएशन हो गई, तो दैट इज x + i / y के इक्वल है। अब पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है x = ky, देन k इज, है ना, x = ky है, तो यहाँ पे x = ky रख देते हैं, x = ky। तो यहाँ पे देखो x कितना है, x है -3/2, और y है कितना, 3√3/2 है। तो यदि x/y की बात करें तो -x/y जो कि k है, k आ रहा है, दैट इज -3/2/3/√3, तो यह आ जाएगा -1/√3, -1/√3, ये सिचुएशन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हो, ये 3/2 तो कट ही जाएगा जब x/y करेंगे, तो ये जो कॉमन पार्ट है कट हो जाएगा, तो k क्या हो जाएगा, -1/√3, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि जब पावर ज्यादा है तो देखो कि कहीं स्क्वायर करने, क्यूब करने या फोर्थ पावर करने से ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिल रहा था √3 i मिल गया था इसका, है ना। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। सर हाँ, यस बोलो बोलो। देखता है आगे हाँ वाले, ये बताओ, वाली 1 ही मिनट सर। लिख लीजिए लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। इफ जेड इज इक्वल टू 1 + i/10α, 10α, वेयर π < α < 3π/2, 3π/2, देन मॉड जेड इज इक्वल टू, आपको बताना है कि मॉड जेड कितना होगा। ए लिखो sec α, बी लिखो -sec α, सी ऑप्शन cosec α, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस आंसर। इट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मॉड जेड ही चाहिए ना, मॉड जेड इज इक्वल टू √1 + 10² α, तो ये sec² α होगा, तो मॉड sec α हो जाएगा ये, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो -sec α हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 1, देन 1 + z/1 + z̄ इज इक्वल टू, आपको बताना है ये किसके इक्वल हो जाएगा। ए ऑप्शन लिखो जेड, बी ऑप्शन लिखो z̄,
सी ऑप्शन लिखो जेड प्लस जेड बार एंड डी ऑप्शन लिखो नन ऑफ दिस आंसर. मॉड जेड इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब है कि मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा. इसका मतलब जेड जेड बार की वैल्यू वन हो गई तो जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार इज वन बाई जेड होगा कि नहीं होगा, जेड बार इक्वल टू वन बाई जेड. ये यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार इज वन बाई जेड हो गया. तो ये ऊपर लेके जाते हैं जेड टाइम्स वन प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वन, ये कट कट हो गया एंड दैट इज जेड हो गया. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब जेड को कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करोगे तो हो सकता है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड में जाए, लेकिन ये चीज याद रखनी चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू वन. तो जेड मॉड जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड वाल लिखा जा सकता है, है ना. नेक्स्ट लिखो राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वन माइनस आयोटा अल्फा अपॉन वन प्लस आयोटा अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स इक्वल टू, आपको बताना कितना होगा. ए ऑप्शन लिखो वन, बी ऑप्शन लिखो अल्फा स्क्वायर, सी ऑप्शन लिखो माइनस वन एंड डी ऑप्शन लिखो माइनस अल्फा स्क्वायर आंसर इट. जैसे a प्लस आयोटा b गिवन है दैट इज वन माइनस आयोटा अल्फा अपॉन वन प्लस आयोटा अल्फा है, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मिलेगा, तो मैं एक काम कर देता हूं कि दोनों का कंजुगेट ले लेता हूं, दोनों तरफ कंजुगेट माइनस आयोटा b. कंजुगेट लेने से क्या होगा, ये आएगा कितना बाय द वे, ये वन प्लस आयोटा अल्फा अपॉन वन माइनस आयोटा अल्फा. कंजुगेट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और इन दोनों को यदि मैं प्रोडक्ट कर दूं ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी तो ये कितना हो जाएगा. बाय द वे इनका प्रोडक्ट करना इस सेम है जिन दोनों का प्रोडक्ट, वन माइनस आयोटा अल्फा अपॉन वन प्लस आयोटा अल्फा इंटू इसका प्रोडक्ट वन प्लस आयोटा अल्फा अपॉन वन माइनस आयोटा अल्फा, ऐसा ये सिचुएशन. और देखो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई ना. मतलब कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वन के इक्वल हो गया. तो
हमें पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई? राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड जेड। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो होता क्या था, मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता था बताओ? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड, तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉड जेड बोलते हैं, कि ये लेंथ मॉड जेड होगी। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर वन, मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड जीरो है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जेड खुद क्या है, जेड इज ओरिजिन, बाय द वे जेड खुद जीरो के इक्वल है। सेकंड लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो कि मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ माइनस जेड, माइनस जेड ये दोनों सेम होते हैं। कैसे सेम होंगे बताओ? जैसे यहां पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, लेट्स से कुछ वन या टू प्लस आयोटा ले लेता हूं, तो माइनस जेड कितना हो जाएगा, क्या वो इधर हो जाएगा? इसका माइनस जेड का मतलब इसकी इमेज आ जाएगी इधर, वो ये हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा माइनस टू माइनस आई, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। तो जब ये डिस्टेंस सेम होगी तो वही सिचुएशन यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड, बाय द वे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बाय द वे इसी में ये भी लिख दो, मॉड ऑफ जेड बार भी होता है। जेड बार होता क्या कि यदि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना होगा, टू माइनस आई हो जाएगा, टू माइनस आई यहाँ पे आएगा बाय द वे इमेज, तो ये लेंथ भी सेम होगी, ये तीनों लेंथ सेम हो जाएंगी और ये टू माइनस आई, और इन सब का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, माइनस मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। एंड सेम वे जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड है आर इज जेड, ऐसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी सेम सिचुएशन में होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई तो मॉड जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप देख सकते हो कि जो एक्स होगा वो इस रेंज में तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा, और ये माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही कहा जा रहा है। रियल पार्ट मतलब एक्स, एक्स की जगह यदि वाई भी करते हो तो भी ये भी सेम रिलेशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर फोर आप लिख लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मॉड जेड होल स्क्वायर, ये तो अभी हमने प्रयोग की, जेड जेड बार, मॉड जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, जेड जेड बार होता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम मॉड लेते हैं तो दैट इज मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू हो जाएगा। अच्छा इसको और एक्सटेंड कर देते कि यहाँ पे जेड टू ले लेते हैं, इसको और एक्सटेंड करें, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री, ऐसे जेड एन हो तो इन सब का मॉड किसके इक्वल हो गया, मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू मॉड ऑफ जेड थ्री इंडिविजुअल और कहाँ तक, मॉड ऑफ जेड एन तक जाएगा, ऐसा सिचुएशन। इन द नेक्स्ट वे देखो, मॉड ऑफ जेड, जेड की पावर एन का क्या मतलब है कि जेड को हमने
एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब कि मॉड जेड इंटू मॉड जेड इंटू मॉड जेड एंड सो ऑन, मॉड जेड हो गया तो ये कितना हो गया मॉड जेड की पावर एन हो जाएगा, मॉड जेड की पावर एन। देख लो समझ आया क्या ये सिचुएशन। है ना सर, आप थर्ड प्रॉपर्टी दिखा सकते हो ना? हाँ प्रॉपर्टी लिखो, देखो सब। तो ये समझ आया कि जैसे मॉड जेड की पावर एन का मॉड लेंगे तो ये दिस इज सेम एज मॉड जेड की होल पावर एन आ जाएगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हो इसको अलग से कि मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू मॉड जेड की पावर एन, ये सिचुएशन। अच्छा ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ एन इंटीजर हो तभी वर्क करेगी, है ना, एन रैशनल रैशनल नंबर हो तो भी ये काम करेगा, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, राइट डाउन मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं एक को दूसरे से, तो ये किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड टू, एंड इन दिस केस मॉड ऑफ जेड टू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो आ गया तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, उस समय ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू बार, है ना। और यदि हम बात करें जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का होल स्क्वायर की बात करें तो ये मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब ये आता कैसे है ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो देखो मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो है का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या जेड वन प्लस जेड टू और इसके कॉन्जुगेट, जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुगेट। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है जेड जेड बार होता है। अच्छा जेड वन प्लस जेड टू और ये जो कॉन्जुगेट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जेड वन बार प्लस जेड टू बार हो जाएगा इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा जेड वन बार, जेड वन मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ जेड वन का होल स्क्वायर प्लस जेड वन जेड टू बार हो जाएगा प्लस जेड टू जेड वन बार हो गया प्लस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको देखो ये जेड वन जेड टू बार है प्लस ये जो जेड टू जेड वन बार है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जेड वन जेड टू बार का होल बार। देखो दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वही आ जाएगा, देखो जेड टू पे डबल बार है मतलब जेड टू आ जाएगा और जेड वन पे सिंगल बार होती ही आ जाएगा, इस तरह से सिचुएशन। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है याद करो जेड प्लस जेड बार क्या टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड होता था, याद करो क्या टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड होता था। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा इसका सम, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस जेड वन जेड टू बार, जेड वन जेड टू बार। तो देखो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। तो सेम वे में हम इसको भी देखेंगे, तो ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन नोट करो फटाफट उनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, एक ही मिनट, हाँ एक मिनट 8 लिखो, नोट करो फटाफट, नोट देम डाउन। देखो यहाँ पे आप
इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि नॉट ओनली जेड वन जेड टू बार है प्लस जेड वन जेड टू बार का बार जो है हमने इसको क्या लिख दिया टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार है ना। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो था ये सिचुएशन जो है इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ये जेड टू जेड वन बार है और ये जो लिखा है जेड टू जेड वन बार का डबल बार लिख सकते हैं जेड वन जेड टू बार आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस वन जेड टू जेड वन बार ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ जेड टू जेड वन बार ये दोनों सेम ही होते हैं कोई अलग नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यदि हम कहें रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ जेड बार तो ये दोनों सेम ही रहेंगे ना। तो आप लिख लीजिए ये भी एक प्रॉपर्टी है कि रियल पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड बार बोथ विल बी सेम। इज दिस क्लियर है क्या इतनी बात समझ आए है ना। प्रॉपर्टी नंबर एट लिखो प्रॉपर्टी नंबर एट नो डाउट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन एर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉड एंड लेस देन एर इक्वल टू रूट टू टाइम्स मॉड जेड। बेसिकली ये प्रॉपर्टी आधी कहाँ से है तो मैं बता दूं कि मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा इसकी जो वैल्यू है वो रूट टू और वन के बीच में रहती है। मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा की वैल्यू वन और रूट टू के बीच में रहती है वहीं से ये प्रॉपर्टी आती है। जैसे कोई भी जेड को हम लिखते हैं मॉड जेड आगे देखेंगे कि ये मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है तो ये मॉड जेड कॉस थीटा ये रियल पार्ट हो गया प्लस मॉड जेड साइन थीटा आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया क्या इतनी बात समझ आई। तो ये प्रॉपर्टी आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव कर सकते हो यू कैन प्रूव इट बाय ट्रिग्नोमेट्री। और यदि इसमें मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड ऑफ जेड साइन थीटा का मॉड प्लस मॉड जेड कॉस थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड रूट टू मॉड जेड रूट टू। सो बेसिकली ये क्या बन गया दिस इज मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड है ना रियल पार्ट ऑफ जेड एंड ये क्या बन गया मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मॉड एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू रूट टू मॉड जेड एंड दैट इज मॉड जेड। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए बहुत कम प्रयोग होती बट आपको याद रहना चाहिए यू शुड रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर नाइन आप लिखो प्रॉपर्टी नंबर नाइन वो क्या है देखो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इससे पहले जो प्रॉपर्टी है यदि इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पोर्शन कट हो जाएगा तो टू टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसको लिख लीजिए याद करने के लिए मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर ये प्रॉपर्टी है नोट डाउन दिस। एंड वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी टेंथ प्रॉपर्टी एंड दैट इज मॉड ऑफ
ए जेड माइनस बी जेड, ये जेड वन बना देता हूँ, ये जेड टू बना